हेलो एवरीबॉडी, इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम प्रोनाउंस कर रहे थे और उसमें हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में 7 टाइप्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 8th टाइप करेंगे जो कि है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल वर्ड का जो यहाँ पर मतलब है वो है परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर का मतलब होता है जहाँ पर दो चीज़ें आपस में कुछ संबंध रखती हों। डेफिनेशन देखिए इसकी, दोज प्रोनाउंस विच एक्सप्रेस द म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी आपस का उनका कोई संबंध होगा। व्हेन स्पीकिंग ऑफ टू पर्संस, जब हम दो लोगों की बात करेंगे, और थिंग्स वी यूज ईच अदर, एंड व्हेन एंड वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन टू, और जब दो से अधिक लोगों की या चीज़ों की बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, वन अनदर। यानी कि ये दो की वर्ड्स हैं हमारे जिन्हें हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसके, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर डियरली। अब यहाँ पर टू ब्रदर्स हैं, दो भाई हैं, तो हमने क्या यूज़ किया, ईच अदर। द टू राइवल्स फाइट विद ईच अदर, अगेन नंबर इज टू, विल यूज ईच अदर। वी मस्ट हेल्प एंड कोऑपरेट विद वन अनदर, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, कितने भी लोग हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, वन अनदर। द मेंबर्स विजिटेड वन अनदर्स हाउस वंस अ वीक, यानी कि किसी भी चीज़ संस्था के सदस्य, वो कितनी भी उनकी संख्या हो सकती है, और वो कहाँ पर जाते हैं कि एक दूसरे के घर पर हफ्ते में एक बार जाते हैं या मिलते हैं। तो जहाँ पर नंबर नहीं है वहाँ पर हमने वन अनदर यूज़ किया, जहाँ दो लोग हैं वहाँ पर हमने ईच अदर, क्योंकि दो से कम तो होंगे नहीं। संबंध अगर हम बता रहे हैं तो दो के बीच में तो होगा ही होगा, दो या दो से अधिक के बीच में होगा।